दर्शकों का स्वागत है। क्लास नाइन्थ के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद दिया है x³ - 2x² - x+2। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका कांस्टेंट कौन है 2, तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, ±1 और ±2। तो इस 2 के जितने भी गुणनखंड है, रुक जाइए थोड़ा व्यवस्था करते हैं पहले। कांस्टेंट है 2, यहां पे 2 कांस्टेंट है, इसका ±1 और ±2 ये गुणनखंड है। मतलब 1 से भी 2 कटेगा, -1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और -2 से भी कटेगा। तो 2 के जो पॉसिबल गुणनखंड है वो ±1 और ±2 है। इसमें से कोई संख्या हम इस बहुपद में डाल कर देखेंगे और देखेंगे कि किस मान के साथ बहुपद का वैल्यू 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट माने रखना, x के जगह 1 डालते हैं। तो यहाँ पे 1 का पावर हो जाएगा 3 -2 गुना 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो ये 1 का पावर 3 1 ही रहेगा, 2 और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 + 2। तो यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 1 से गुना होगा 2 -1, इस तरह से 3 -2 -1 -3, 3 में 3 घटा तो 0 हो गया। तो अभी आपने देखा कि इस बहुपद में x के जगह 1 डालने से इस बहुपद का मान कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब होता है मैथ में कि x - 1 + 1 डालने से 0 होगा ना। तो x - 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब हम लोग करेंगे कि इस बहुपद में, अब हम लोग करेंगे क्या कि इस बहुपद में x - 1 से भाग देंगे। तो चलिए x - 1 से हम इस बहुपद को भाग देते हैं। x³ - 2x² - x+2, तो भाग लगेगा x² बार। तो ये x³ हो जाएगा, x से x² में गुना होकर, x² में 1 से गुना होगा तो x², घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ई कट जाएगा। x² में 2 को घटेगा, माइनस में 1x², माइनस में x उतर जाएगा, प्लस में 2 उतर जाएगा। अब -x बार लगेगा तो -x में x से गुना होगा, -x² -+x, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया और -x - x मिलके -2x + 2। अब -2 बार लगेगा तो माइनस में 2x और -± + 2, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, फिर माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, दोनों कट जाएगा, शेषफल 0 आ गया। इसीलिए x³ - 2x² - x+2 का गुणनखंड हो गया, एक गुणनखंड तो x - 1 हो गया और दूसरा गुणनखंड हो गया x² - x - 2। अब इसको भी हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे, तो मध्य पद को 2 भाग में बांट दीजिए, -x पर लिख सकते हैं +x और -2x, एक x में 2 x घटेगा तो -x आ जाएगा, -2, x - 1 अपने जगह पर रहेगा, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x+1 और -2 कॉमन लेंगे तो x+1। इस तरह से हो गया x-1, x+1 दोनों में से कॉमन हो गया
इधर x माइनस टू बच गया, तो ये आपका हो गया गुणनखंड ज्ञात। मैंने आपको कहा था कि गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब होता है कि दिए गए बहुपद को दो या दो से अधिक ब्रैकेट के अंदर में लाना, ताकि उसको गुणा करने पर फिर क्वेश्चन आ जाए। अगर आप इन तीनों ब्रैकेट को गुणा करिएगा ना, तो आपको एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहे मेरे साथ और सीखिए आराम से मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।